गाइस देखिए हमारे भोलेनाथ, इनके आप दर्शन कीजिए। अभी वेट करते करते लगभग आधा घंटा हो गया है और हमें अभी पता चला है, जस्ट गुप्त सूत्रों से पता चला है, वो लेड़ा है, वो देखिए सामने कुल्लड़ वाला जो लस्सी है उसके नीचे से रहते हुए आ रहा है वो आया और ये घुस गया अंदर। आज का मर गई आखिरकार आ ही गया। गाइज वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग, सभी को जय श्री राम हर महादेव। और ये देखिए हमारा चूजा जिसको होती नहीं है गुदगुदी, और ये हमारी चिड़िया, ये रही मेरी चिड़िया जिसको तू ठीक है, तुम हमको गुदगुदी करो हम तुमको करते, आजा तुम दोनों हमको करो हम तुमको करते हैं दोनों को ठीक है। और गाइज हमने प्लान बनाया है आज कहीं दूर घूमने जाने का, है ना बेबी, गोलगप्पे खाने का और पानी पूरी खाने का। हाँ पानी पूरी और गोलगप्पे हम दोनों खाएंगे गाइस, आज सरप्राइज है, हम गोलगप्पे और पानी पूरी दोनों खाएंगे, है ना बच्चों, ओके। और इसके बाद गाइस आपको हम दिखाते हैं, मेरे साथ बने रहिए पूरे ब्लॉग में, आज पूरा हम आपको दिखाते हैं क्या क्या खा रहे हैं और उसके बाद आप देखिए ब्लॉग में क्या खा रहे हैं। गाइस आप सब जानते हैं हम आज जाएंगे घूमने और क्या खाएंगे, ठीक है, लेकिन मेरा सीक्रेट है, लेकिन मेरा क्या होगा, तुम्हारा क्या, तुम्हारा तो पानी क्या गोलगप्पे है ना, और बेबी का पानी पूरी, बेबी का पानी पूरी और तुम्हारा गोलगप्पे, तुम्हारी मम्मी के पानी के पता से, तो तीनों का अलग अलग है गाइस, तीनों खाएंगे क्या होगा उसको देख के आ जाएंगे हम लोग, है ना बेबी, उसको हम देख के आ जाएंगे ना, हाँ खाएंगे नहीं देख के जाएंगे, दो चार वैसे उठा लो, दो चार वन टिक्की अच्छा। तो गाइस अभी हम जाएंगे थोड़ी देर में निकलेंगे, हम आपको दिखाएंगे कहाँ कहाँ जा रहे हैं, अब वन टिक्की चुरा के लाएंगे। हाय गाइस तो अभी हम पहुंच गए हनुमान मंदिर, सरप्राइज था आप देख सकते, चलिए अंदर उधर तो खोल के चलिए, चलो अच्छा ऐसे अमरूद वगैरह रखा है, ये मंकी नहीं जाएगा यहाँ से, चलो ना चलो, उन्हीं के लिए लगता है रखा हुआ है बांटने के लिए, देखिए है ना भाई, जब पहुंच गए हनुमान जी के आशीर्वाद लेने के लिए हनुमान मंदिर, जय बजरंगबली। जय श्री राम, सीताराम सीताराम सीताराम, जय श्री राम, जय श्री राम। गाइस देखिए हमारे भोलेनाथ, जिनके आप दर्शन कीजिए, भोले बाबा बस नंदी महाराज, भोलेनाथ का त्रिशूल, और ये देखिए भोलेनाथ माँ पार्वती, गणेश भगवान, लड्डू गोपाल, कृष्णा जी, राधा जी, इधर भीड़ लगी हुई है बहुत, जाम हो गया है, और इधर माता दुर्गा, लक्ष्मण जी, श्री राम जी, माता सीता, माँ दुर्गा, भोलेनाथ, हमारे बजरंग बली इनके दर्शन के लिए हम आए हैं। बोलिए
हाय गाइस, देखिए हम कहाँ हैं अभी। हाय गाइस, तो देखिए हम अभी कहाँ पहुँचे हैं अपने सारे पूरे परिवार के साथ। ये देखिए बेबी मुँह पा रहा है हंस, जिसे नींद आ रही है, अभी इसको सुलाएंगे स्कूटी पे। और आज देखिए हम कहाँ हैं, पीछे देखिए बस्ती जी, कितना प्यारा बस्ती है, आप देख सकते हैं कितने हाइट पे हैं, क्या आदमी भी छोटे छोटे दिख रहे हैं यहाँ से। और ये देखिए कितना आगे, वहाँ जाना नहीं तो चले जाइए खोपचे में, ऐसे रास्ता बना होगा। हाँ रास्ता बना हुआ है इधर से नीचे जाने का, नीचे जाने का। हाँ तो इधर नीचे तो कचरा कचरा, तो जाना ही। ये देखिए बस्ती, मुर्गे भी घूम रहे हो देखिए नीचे, बड़े बड़े की वॉकिंग कर रहे स्टाइल में। अब देख सकते हैं कितना सुंदर नज़ारा है, नज़ारा है। और नीचे नाले का पानी बह रहा है, लेकिन ये पता है बाढ़ वाला इलाका लग रहा है, पानी वगैरह ज़्यादा आएगा ना तो बह जाएगा ये। तो अभी हम आए हैं पेट पूजा के लिए, पहले रूपा जी को पेट पूजा कराएंगे। आँख बंद कर रही है, मट 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 कर रही है। अच्छे से खाओ, गिराना नहीं, ठीक है। और नैपकिन दे दो तो एक निकाल के बेबी को पकड़ेगी अच्छे से। इधर हंस राजा, क्या खाओगे हंस, रुमाली रोटी के साथ पनीर बटर मसाला खाएगा ये। अभी हम आए हैं दून दरबार में, बेबी खा रही है आइसक्रीम, हंस खाएगा खाने के बाद, है ना। खाने के बाद हम तीनों आइसक्रीम खाएंगे। कौन सा बटर मसाला? पनीर बटर मसाला मिलाते हैं फुल, नहीं ठीक। बटर मसाला फुल मंगा लेते हैं, दोनों का सेम ही रेट है। और कौन सा बताएं? कढ़ाई पनीर मंगा लेते हैं, कढ़ाई पनीर हाँ ठीक है, पनीर बटर मसाला। गाइस बेबी कर रही है आइसक्रीम पार्टी, ये देखिए देखिए ना इसका मुँह नाक, ऊपर से खाओ ना गिरेगा ऊपर वाला। आइसक्रीम खाई, मैं बीजे में भी सकल दिखाना। ये देखिए आइसक्रीम खाई है, सकल से दिख रहा होगा आपको। ये देखिए बातचीत चल रही है, कौन ज़्यादा खाएगा कौन कम खाएगा। और अब हम खाना शुरू कर रहे हैं। भाई जैसा कि अभी आप देखे थे रुमाली रोटी और क्या था शाही पनीर मंगवाए थे, तो उसका टेस्ट बहुत ही गंदा था, इसलिए वापस हो गया है। और अभी हम बैठ के प्याज खाने में लगे, प्याज और चटनी, क्योंकि अभी आ रहा है सोया चाप और रुमाली रोटी आएगा, तब तक इंतजार कर रहे हैं हम लोग प्याज पका के। देखिए बेबी ऊपर आइसक्रीम खा रहा है, जाओ ले आओ। इंतजार करते करते रहा नहीं गया, तो चला गया है चोको चिप्स वाला आइसक्रीम खाने, चोको चिप्स में बार बार भूल जाते हैं, उसका चॉकलेट आइसक्रीम वही जो भी है वही खाने के लिए खा रहे हैं। आइसक्रीम लेता रहेगा आज, चल मिला नहीं है, हाँ मिल गया मिल गया, वो ले रहा है, वो देखिए सामने कुल्हड़ वाला जो लस्सी है उसके नीचे से लेते हुए आ रहा है, वो आया। और ये घुस गया अंदर, और हंस चुपके से उधर से निकल जाना था, ऐसे गली पकड़ के बोला हम नहीं जानते किसी को। इसने कम दिया है ना, देखिए चल आ जाओ बैठो, ज़्यादा था ना इसमें, बोलना था ना अंकल ये कम में दे रहे हो आप इसमें। हाँ
आखिरकार हंस आइसक्रीम खा ही रहा है। ऊपर वाला इसमें डालो ना ग्लास में और चम्मच से खाओ, गिरा देना उधर, गिरा दे। पूरा ही गिरा, अभी गिरा गिरा गिरा, और उसको लास्ट में चबा जाना, बोलना है नहीं नहीं मिलेगा भाई। अभी वेट करते करते लगभग आधा घंटा हो गया है और हमें अभी पता चला है, जस्ट गुप्त सूत्रों से पता चला है कि हमारा जो सोया चाप आ रहा है रुमाली रोटी मुंबई के ताज होटल से मंगाया गया है। तो अभी क्या है वो प्राइवेट प्लेन में आ रहा है इसलिए थोड़ा टाइम लगेगा और स्पेशल हमारे लिए आ रहा है क्योंकि यहाँ पर ख़त्म हो गई थी तो वहीं से मंगाया गया ताज होटल से। और अभी आने के बाद आपको दिखाएँगे, फिलहाल हम उसको आइसक्रीम खिला रहे हैं। हंस पहले फोन खा रहे हैं, अभी वो खा रहा है चोको चिप्स। और ये देखिए वेटिंग का हाल, और कैसा लग रहा है आपको सोया चाप का इंतजार में, मतलब कुछ दो शब्द बोलना चाहेंगे आप? मुझे बैठे बैठे नींद आ रही है। हमें लग रहा है कि एक दिन मार ही लेना चाहिए, या फिर बता के घर जाते, कपड़े चेंज करके आ जाते कि आ रहे हैं। तो गाइस देखिए अभी होटल से हमारा फ्लाइट उतर चुका है और ये लेके आ गए हैं साथ में, जस्ट अभी फ्लाइट से उतर के लेके आ ही रहे हैं। बस आ गया आ गया आ गया आ गया आ रहा है, दो चार मिनट और ये फ्लाइट उतरी है। फिर उसको प्राइवेट उसमें क्या कहते हैं, फ्लाइट से निकाल के प्राइवेट गाड़ी में लेके आ रहे हैं, सिर्फ सोया चाप और छह रुमाली रोटी है फुल प्लेट। तो आज हम खाना खा रहे हैं, खाना खाने के लिए बैठे थे, 3:45 आ गए, 3:30 बजे, तो अभी 4:45 हो गया है। हम लोग जो हैं वीआईपी वीवीआईपी हैं इसलिए हमें अलग से दिया जाएगा थोड़ा वेट करके, और बाकी लोग जो आए हमसे पहले और हमारे बाद वो भी खा के चले गए और देखिए इनको नींद भी आने लगी। एक रेस्टोरेंट क्या कहते हैं होटल है, चलते हो गद्दे पे लेटते हो तक नीचे वाले गद्दे पे लेटते हैं। भूख लगी जोरों की, भूख लगी जोरों की। भूख लगी, बजाओ ना प्लेट बजाओ ना जोर जोर से, भूख लगी। हाँ और क्या, जी ना आराम कर दिया अंकल जी। प्लेन भी पहुँच गए लेकिन अभी तक ट्रेन नहीं पहुँचा। कुछ पिक से होल कर दीजिए, कुछ पिक से होल मार दीजिए। तो अभी हमें मिलेगा सोया चाप। अभी तो अंकल ऊपर आ रहे हैं, देखो क्या होता है, अंधेरा हो गया अंधेरा। कैसा लगा है बेबी, कैसा लगा तुम्हें खाना आज का? मर गई। ट्रेनिंग कैंसिल हो गया ना इसलिए लेट हो रहा है। चलो लग तो आ गया। आ गया आखिरकार, आखिरकार आ ही गया। आया आया अफगानी चाप, टेलीविजन बहुत खाता है ये वाला पता है। हाँ
गाइस फाइनली हमारा अफगानी कैंप पहुंच चुका है। हम लोग ये अफगानिस्तान में पाते हैं। और देखिए अफगानी कैंप आ चुका है, देखते हैं इसका टेस्ट कैसा रहता है। ये अभी बना के दिया ना, इसका टेस्ट सही होगा। वो पहले से रखा होगा वो खराब हो गया होगा। ये थोड़ा खा के देखिए तुमको। तेल लगाया, घी लगाया, चूहे पे टेस्ट हो रहा है अभी। एक छोटा चूहा ठीक है, बात देखिए है तो खट्टा लेकिन ठीक है, खट्टा तो भी है। खा के देखिए, खट्टा नहीं है तो हम लोग खा के फिर आपको मिलेगा। हाँ इन दोनों का दे दिए, काउंटर पे पेमेंट हो गया था, पूछिएगा दो बार 40-40 रुपया दे दिया।